भारत के घरों में सबसे कॉमन सिखाई जाने वाली चीज़ जो है वो है सेल्फ डिपेंडेंसी। ये चीज़ हर एक बंदा अपने घर से सीखता है। मैंने भी ये चीज़ अपने सबसे पहले घर से सीखी। ये चीज़ मैंने सबसे पहले अपनी माँ से सीखी। जब भी मेरी माँ कभी घर से बाहर जाती थी तो उसने मुझे बताया कि बेटा तू अपना खाना खुद ऐसे अरेंज कर सकता है और इस समाज में सर्वाइव करने के लिए तुझे सेल्फ डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जब मैंने समाज में बाहर जाकर लागू किया तो वो सबसे पहले वाला स्थान था, वो था गायशाला। गायशाला में जब हमने गौ सेवा परिवार नाम का एक ग्रुप बनाया तो वहाँ पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी गाय बछड़े बैलों को पानी पिलाना। मैं ये अपना काम कर घर पर चला जाता था। जो हमारे दूसरे मेंबर थे वो ट्रीटमेंट वगैरह और उनके खान पीन का वो देखते थे। जब कभी भी वो एक घंटा या आधा घंटा लेट होते थे तो मैं सिर्फ देखता रहता और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं होता था कोई गाय बछड़े बैल को तड़पते देखने के अलावा, तो मैं केवल उन्हें पानी पिला पाता था और उनकी और ज़्यादा सहायता ना कर पाता। तो थोड़ा टाइम रहते मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे भी ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। तो मैंने समय रहते ही ट्रीटमेंट सीखा। आज भगवान की कृपा से गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल के साथ 100 से ऊपर ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई भी ना आए तो मैं इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ कि मैं खुद ब खुद इनका ट्रीटमेंट वगैरह देख लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से हम जितना सेल्फ डिपेंडेंट खुद के लिए हो रहे हैं उतना हमें समाज के लिए भी होना पड़ेगा, खास कर इन बेजुबानों के लिए। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया आप किसी भी व्यक्ति या किसी गायशाला या किसी एनजीओ पर डिपेंड ना रहें, किसी भी बेजुबान का ट्रीटमेंट करना खुद ब खुद सीखें।